नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक का सेविंग और करंट अकाउंट जो है उसको क्लोज करने के लिए जो फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है। काफी सिंपल है। यहाँ पे जैसे हमने डेट लिखा है वो आपको डेट लिख देना है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कन्फर्म दैट अनयूज्ड चेक इश्यू टू मी और हैव बीन एनक्लोज्ड और डिस्ट्रॉयड बाय मी, नंबर ये है। किस चेक नंबर से किस नेक्स्ट नंबर तक आप इस के पास पेंडिंग है जो कि आप अनयूज्ड है, यूज नहीं किए है, वो यहाँ पे लिख देना है आपको। और यहाँ पे एनक्लोज जो है इसको क्लिक कर देना है। अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है तो वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। और आप जब वापस कर रहे हैं बैंक को तो आप बैंक को परमिशन दे रहे हैं कि इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है आई और वी आर एनक्लोजिंग और डिस्ट्रॉइंग द ATM डेबिट कार्ड इशू टू मी और अस। यहाँ पे आपका ATM डेबिट कार्ड जो है उसका नंबर लिख देना है आपको। और मेन चीज यहाँ पे आपको क्यों अकाउंट बंद करना है उसका रीजन लिखना है। यहाँ पे आपको 10 पहले से रीजन दे रखे हैं उन्होंने, उसमें से बस जो आपको रीजन है कि आप बंद करने का उसको आपको टिक कर देना है बस। उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है और जो आपका अकाउंट में पैसा बचा है उसको आप कैसा एक्सेप्ट करना चाहेंगे। अगर DD से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे DD टिक कर दीजिए, और कोई और आपका अकाउंट है एक्सिस बैंक का उसमें चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। या फिर दूसरा भी एक तरीका हो सकता है, ATM आपका बंद करने से पहले उसमें से निकाल लीजिए पैसा और कुछ पैसा रख के बाकी का वहाँ से आप निकाल सकते हैं। जस्ट उसके बाद आपको यहाँ पे अथॉरिटीज का ऑथोराइज सिग्नेटरी जो है अकाउंट होल्डर का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है और यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा जो आप बैंक में हमेशा यूज़ करते हैं। ये वाला पोर्शन आपको छोड़ देना है क्योंकि वो बैंक के लिए रहेगा। अब यहाँ पे है ATM कार्ड डिस्ट्रॉयड। अगर आप बैंक को ATM कार्ड रिटर्न कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको नो पे टिक करना है, और अगर डिस्ट्रॉय कर चुके हैं आप तो यस कर दीजिए। सेम कंडीशन आपका रहेगा, अनयूज्ड चेक जो है उसके रिलेटेड रहेगा। अगर डिस्ट्रॉय किया है तो यस कीजिए, और बैंक को रिटर्न कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। ये आपका कंपनी अकाउंट है तो इसमें आपको रिजोल्यूशन देना है और यस कर देना है इसमें। उसके बाद सीधा ये वाला भी पार्ट आपको छोड़ देना है, ये बैंक एम्प्लॉयज ऑफिशियल यूज के लिए रहेगा। यहाँ पे आपको एक्नॉलेज करना है, आपका नाम लिख दीजिए और अकाउंट नंबर लिख दीजिए। दोस्तों इसी इतनी आसान तरीके से आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक्सिस बैंक रिलेटेड हमने और भी बहुत सारे वीडियोस ऊपर आई बटन में बनाए हुए, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।